अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। अगर भाईचारे का संदेश देंगे आ करके कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे आ हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे तो, अगर भाईचारे का संदेश देंगे आ करके कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। अच्छा, नहीं तो फिर सोचना पड़ेगा, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। आनंद मोहन भैया, एक मिनट भैया, एक मिनट, सीवर से हम आए हुए हैं, अंग्रेजी अंग्रेजी के हाथ भैया, आप बोले थे हमें तबीयत कैसी, स्वास्थ्य तो अभी ठीक नहीं है, लेकिन आ रहे हैं, आ रहे हैं। आनंद मोहन जी क्या रिहाई हुई है, क्या आनंद मोहन जी क्या रिहाई हुई है, रिहाई हुई है तो तबीयत कैसी, स्वास्थ्य तो अभी ठीक नहीं है, लेकिन आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। आनंद मोहन जी क्या रिहाई हुई है, क्या आनंद मोहन जी क्या रिहाई हुई है, रिहाई हुई है तो शुरू से मुआयना कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो आएंगे ही ना, ऑपरेशन के बाद पहली बार आज इस बार सिंगापुर के बाद, हाँ आ रहे हैं, और सारे नौजवान, अब सारे नौजवान हैं, एक खुशी की बात है कि सामाजिक न्याय के जो भगवान हैं वो आ रहे हैं बिहार। विपक्ष कह रहा है कि आने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे बिहार में, तेजस्वी आए बिहार में तो विपक्ष का सफाया हो गया जी। अब लालू जी बिहार में आएंगे तो केंद्र का सफाया हो जाएगा, ये मैं भविष्यवाणी कर दिया। बीजेपी कह रहे हैं कि कैप्टन है भ्रष्टाचारी होंगे, बीजेपी कह रही है कैप्टन है भ्रष्टाचारी होंगे, कैप्टन है लालू यादव, कैप्टन है नरेंद्र मोदी, ये बीजेपी बोल रही है ना, बीजेपी क्या बोल रही है कि नरेंद्र मोदी कैप्टन है, क्या बोल रहे हैं जी आप, क्या सवाल कर रहे हैं बताइए। नहीं नहीं, बीजेपी कह रही है कि लालू यादव आ रहे हैं विपक्ष में, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कैप्टन कैप्टन कौन है, भ्रष्टाचारी वो कैप्टन, बीजेपी भ्रष्टाचारी के कैप्टन नरेंद्र मोदी और अमित शाह है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब, ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे। इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो, क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।